अजमेर के पास पुष्कर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां की रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है सावित्री माता मंदिर। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो आप 200 सीढ़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर स्थापित रोप वे की सेवाएं ले सकते हैं। हालांकि ज्यादातर श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़ना उचित समझते हैं, जिससे ज्यादा पुण्य मिलता है। नंबर 9, मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज देश के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। 1875 में स्थापित इस कॉलेज से कई नामी गिरामी हस्तियों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। इस कॉलेज की इमारत भारतीय और अरबी वास्तुकला का बखूबी प्रदर्शन करती है। इस कॉलेज में दर्शकों के लिए एक देखने योग्य संग्रहालय भी है। नंबर 8, लेक फॉय सागर। लेक फॉय सागर एक कृत्रिम झील है जो एकदम सपाट प्रतीत होती है। इस झील का निर्माण अंग्रेजी इंजीनियर श्रीमान फॉय ने 1892 में किया था। इस झील के निर्माण की वजह अकाल पीड़ितों को रोजगार दिलाना और स्थिति को बेहतर बनाना था। इस झील के पास से अरावली की पहाड़ियों का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। नंबर 7, तारागढ़ किला। अजमेर के बूंदी इलाके में स्थित तारागढ़ किला कहा जाता है एशिया का पहला पहाड़ी किला था। 3 किलोमीटर और 1.5 घंटे की कठिन चढ़ाई थका तो देती है, लेकिन शीर्ष पर पहुंचने के बाद आपको अजमेर का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस जगह पर आप भीम बुर्ज जाकर गर्व गुंजन नाम की तोप जरूर देखें। नंबर 6, अकबर का महल और म्यूजियम। अजमेर शहर के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है अकबर महल, जहां पर अकबर और उनके सेनानी रहते थे। ये जगह अजमेर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ का संग्रहालय है। इस संग्रहालय में पुराने जमाने के हथियार और अन्य चीजें संग्रहित हैं। राजपूत और मुगल साम्राज्य को करीब से जानने के लिए ये जगह उपयुक्त। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 5, अजमेर जैन मंदिर। अजमेर जैन मंदिर, जिसे सोनी जी की नसियन या लाल मंदिर कह के भी बुलाया जाता है, पहले जैन तीर्थंकरा को समर्पित एक जैन मंदिर है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ का मुख्य कक्ष है, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। इस कक्ष में बहुत सारे वस्तुएं मौजूद हैं, जिन पर सोने का काम किया गया है। 19वीं सदी में बना ये मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों की सूची में शुमार है। नंबर 4, ऐना सागर लेक। ऐना सागर झील एक खूबसूरत कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण चौहान समाज ने 12वीं सदी में कराया था। कई सालों बाद इस झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया था। इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर शाहजहां ने भी इसके पास बारादरी बनवाई थी। इस झील में बोटिंग का भी प्रबंध किया गया है। यहां जाकर आप आसपास का नजारा देखकर मोहित हो जाएंगे। नंबर 3, नरेली जैन मंदिर। शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरेली जैन मंदिर संगमरमर से बना एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर उन पर्यटकों और श्रद्धालुओं में खासा लोकप्रिय है, जो इत्मीनान और सुकून वाली जगह पसंद करते हैं। इस मंदिर के पास एक पहाड़ी पर 24 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जो कि देखने में काफी अनोखे लगते हैं। नंबर 2, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यूं तो इस जगह को मूल रूप से एक संस्कृत महाविद्यालय के लिए बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसे सुल्तान गोरी ने 12वीं सदी में एक मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इस इमारत को अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 18वीं सदी में उर्स के दौरान 2.5 दिन का मेला लगता था। नंबर 1, अजमेर शरीफ दरगाह। और अजमेर की सबसे लोकप्रिय जगह है अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। 13वीं सदी में बनी इस दरगाह में सालाना लाखों पर्यटक अपनी मन्नतें लेके आते हैं।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा में लगा दी थी। इस दरगाह में जाने के लिए तीन अहम दरवाजे हैं जिनके नाम हैं निजाम गेट, शाहजहां गेट और बुलंद दरवाजा। अजमेर में इन 10 जगहों के अलावा क्लॉक टावर, साईं बाबा मंदिर और पृथ्वीराज स्मारक भी देखने लायक स्थान हैं।